दोस्तों अगर क्यूटेस्ट डॉग ब्रीड की बात आए और उसमें सिज्जू का नाम ना आए, भाई ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिज्जू एक स्मॉल साइज के होने के साथ साथ बहुत ही क्यूट डॉग ब्रीड है। तो अगर आप लोग इस ब्रीड को परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग एकदम परफेक्ट वीडियो को देख रहे हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मंजीत एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले सिज्जू पपीज के बारे में, जो कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल डॉग ब्रीड में से एक है। तो इनके प्राइस वगैरह के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता देता हूँ, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी जरूरी होता है, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि सिज्जू को परचेज करने के बाद आप लोगों के साथ ये किस तरीके से रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर इनकी क्वालिटी के बारे में बात करें तो पपीज एक्सीलेंट क्वालिटी में है, और ये चीज आप लोग इनके पेरेंट्स की क्वालिटी देखकर भी जज कर सकते हो, जो कि मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सिज्जू एक मीडियम एनर्जी लेवल की डॉग ब्रीड है, जो अपनी फैमिलीज के साथ अपना टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करते हैं और ये आप लोगों के साथ डोर टू डोर घूमते रहते हैं। तो सिज्जू चाइल्ड एंड अपार्टमेंट फ्रेंडली डॉग्स हैं, जिन्हें आप लोग कहीं पर भी और किसी के साथ भी काफी आसानी से रख सकते हो, और इन्हें स्पेस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। I mean, आप लोगों के पास चाहे स्मॉल साइज का घर हो या फिर सिटीज के अपार्टमेंट्स। वैसे सिज्जू छोटे बच्चे एंड गर्ल्स में ज्यादा फेमस है, मोस्टली गर्ल्स इसे काफी पसंद करती है, बट बहुत से लोगों का सपना टूट जाता है जब बात आती है इनके प्राइस की, क्योंकि सिज्जू ऑलमोस्ट स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड में सबसे एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड है। वैसे गाइस, पपीज की प्योरिटी पे आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पपीज एकदम प्योर क्वालिटी के हैं और ओनर आप लोगों को इनकी प्योरिटी की पूरे लाइफ टाइम की गारंटी देंगे, क्योंकि भाई उन्हें भरोसा है अपनी डॉग ब्रीड पे, क्योंकि ये जो पपीज हैं ये उनकी होम ब्रीडिंग के हैं। वैसे गाइस, सिज्जू को आप लोग होममेड फूड पे भी काफी आसानी से रख सकते हो, बस आप लोगों को जरूरत है इनके कोट को मेंटेन रखने की। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि एक मीडियम एनर्जी लेवल की डॉग ब्रीड है, तो थोड़ी बहुत वर्क ही इनके लिए सफिशियंट होती है। सो फ्रेंड्स, अगर पपीज के साथ साथ इनके पेरेंट्स की बात करें तो ये देखिए गाइस, इन पपीज के मदर और फादर हैं, दोनों ही एक्सीलेंट क्वालिटी में, और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही केसीआर रजिस्टर्ड एंड इम्पोर्ट लाइन से है। बट गाइस, उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि पपीज केसीआई है या फिर नॉन केसीआई, तो परचेज करने से पहले आप लोग ये चीज जरूर कंफर्म कर लें। वैसे ये चीज मैं भी आप लोगों को बता सकता था, बट ये वीडियो मैं लेट नाइट बना रहा हूँ, तो ओनर से मेरा कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया, इसी वजह से मुझे कन्फर्म नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर इन सिज्जू पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये 42 डेज के हो चुके हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो है आगरा उत्तर प्रदेश से। एंड डिलीवरी के बारे में बात करें तो ओनर आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा सकते, आप लोगों को खुद ही जाकर इन पपीज को परचेज करना होगा। एंड फाइनली, अगर इन पपीज के प्राइस के बारे में बात करें तो भाई, ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 25,000 पीस 25,000 रुपए, एंड फीमेल की है 23,000 पीस यानी 23,000 रुपए। बट डोंट वरी गाइस, प्राइस जो है ये नेगोशिएबल है, तो परचेज करते टाइम डेफिनेटली आप लोगों को इनमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो जरा सी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जल्दी मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।